लड्डू पीठी की तो बात कर ली शुमायला, और देखा जाए जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है उसी तरह गाड़ियों में और मोटरबाइक्स में भी जिद्दत आती जा रही है और जिद्दत को लोगों में भी मुतारिफ करवाया जाता है। कराची की बात की जाए तो वहां पर भी चमचमाती कारों और मोटरसाइकिलों का मुनफरिद शो का इनेकाद किया गया। बिल्कुल, और वहां पर हर किसी ने अपनी गाड़ियों की जो चमचमाहट है वो दिखाई और जलवे वहां पर दिखाए गए। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ड्रिफ्टिंग के जौहर भी दिखाए हैं। एहसान खान ने एक रिपोर्ट बनाई है, आप भी देखिए। हैवी बाइक और चमचमाती कार पेश किया गया है एक के बाद एक शाहकार। कराची में सजा मॉडिफाइड कारों और मोटरसाइकिलों का फैशन शो। किसी ने अपनी गाड़ी के जलवे दिखाए, किसी ने ड्रिफ्टिंग के जौहर आजमाए। मंचिलों ने पुराने मॉडल्स की कारों के गुन गाए, देखभाल पर आने वाले महंगे अखराजात भी बताए। कम से कम महीने के 20,000 महीने का कीमत का। देखें, बनाने में तो कभी आज तक काउंट नहीं किए ना कि कितना खर्चा आया होगा। ये कराची में ऐसे इवेंट होने चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। ये असल में ब्रांडेड गाड़ी है तो इसके मतलब बहुत अच्छा है। 4 दिन की ड्रिफ्टिंग के बाद मोटरसाइकिलिस्ट भला कहां पीछे रहने वाले थे। इवेंट में चमचमाती कारें और हैवी बाइक्स देखकर शायकीन भी फूले ना समाए, बोले इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, ऐसे ही शोबे नजर आए कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अपनी कारों के करतब के जरिए शुरका को खूब महसूस किया। कैमरामैन सुहेल गुप्ता के साथ।